अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन आसान और सिंपल तरीके से बताऊँगी। ये आप बहुत ही आसानी से इस तरह चाइनीज़ बना के इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले चिकन बोनलेस 400 ग्राम लिया है, छोटे क्यूब्स में काट लिया, धो लिया इसको। एक टेबल स्पून वाइट विनीगर, 2 टीस्पून सोया सॉस, आधी टी स्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून इसके अंदर चीनी जाएगी। ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। इस तरह ये अंदर तक वो टेंडर और सॉफ्ट बनता है। ये नमक चिकन पाउडर में भी होता है और सोया सॉस में भी, इसलिए मैंने वो 1/4 टीस्पून नमक डाला है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। चीनी आपने इसके अंदर थोड़ी सी ज़रूर डालनी है और कॉर्नफ्लोर, इससे ये टेंडर बनेगा। ये मैरिनेट मैंने कर दिया, अब इसके लिए वो जो सॉस बनानी है वो देख लें। टमाटो केचप आधा कप, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून चीनी, 2 टीस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा वाइट विनीगर। ये सारी चीज़ें डाल के एक बाउल के अंदर ये मिक्स करके मैं सॉस रख लूँगी। ये बिगनर्स के लिए कह रही हूँ, जब भी आप चाइनीज़ वगैरह बनाने लगें, ये सारी चीज़ें सब्जियों की आप कटिंग कर लें और सॉस वगैरह हर चीज़ आप तैयार करके पहले रखें। ये चाइनीज़ जब भी बनाते हैं ये तेज़ आंच पे बनता है जल्दी जल्दी से। ये कटिंग करने पे ही टाइम लगता है सब्जियों की और वो ये सॉस वगैरह, ये आप सारी चीज़ें पहले कर लें। यह अब एक बाउल में इस तरह मिक्स करके मैं साइड पर कर रही हूँ। और एक प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को भी मैंने वो काट लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ों को आपने, ये वेजिटेबल को धो के इस तरह, प्याज को इस तरह क्यूब्स में और टमाटर के भी बीज निकाल के, और ये चिकन क्यूब्स है वो डाले इसके अंदर जाएगा सॉस के अंदर, यखनी के अंदर। सबसे पहले 1 टेबलस्पून मैंने फ्राई पैन के अंदर कुकिंग ऑयल डाला है, उसके अंदर मैंने प्याज और शिमला मिर्च डाल दिया है। ये वीडियो को मैंने फास्ट किया है, आपने एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी। इसको सिर्फ हल्का सा तेज़ आँच पर इस तरह करना है, शैलो फ्राई इस तरह सोते करना है, इसका कलर ना चेंज हो। ये एक ही पैन में इस तरह मैं सारी चीज़ों को करके निकाल लूँगी, फिर इसी पैन में बन जाएंगे। ये अब इसके अंदर टमाटर भी डाल रही हूँ। ये अगर आपने वेजिटेबल नहीं डालनी तो चिकन मंचूरियन वैसे भी वेजिटेबल के बगैर भी बन जाएगा, और अगर आपने डालनी है तो आप इस तरीके से फ्राई करके हल्का सा तेज़ आँच पर, कलर ना ख़राब हो थोड़ा सा, इसको इस तरह करके एक तो शाइन आ जाएगी। ये बाद में सिर्फ इसको ऐसे ही उसके अंदर डाल दूंगी वो ग्रेवी के अंदर। अब एक अंडा मैंने बाउल में डाला है तोड़ के, ये चावलों के लिए बना रही हूँ। उसको फेंट के उसी ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया जो थोड़ा सा फ्राई पैन के अंदर ऑयल है। अब इसको फैला के, इसको रोटी सी इसकी बना के, इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। ये भी मैं बना के एक प्लेट में इस तरह निकाल लूँगी, दोनों तरफ से पलट के इसकी कटिंग कर लूँगी। ये चावलों को मैंने, वो थोड़े चावल बना रही हूँ, 2 कप जितने, वो एक अंडा ही डाला है। आप फिर जितने आप बनाएंगे उस हिसाब से डालें। ये दोनों तरफ से बना के एक प्लेट में निकाल के इसकी कटिंग कर लूँगी। ये सारी चीज़ें आप पहले तैयार करके रख लें, चावलों की और ये चिकन मंचूरियन की, और बहुत ही जल्दी ये चाइनीज़ बन जाता है। अब इसको भी निकाल रही हूँ, और एक फ्राई, इसी फ्राई पैन के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और उसके अंदर 2 टीस्पून लहसुन को चॉप करके डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा इस तरह सोते करना है, इसका कलर ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इसको हिलाना है, और इसको इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दूंगी। सिर्फ चिकन इसके अंदर डालना है, जो उसके अंदर नीचे सॉस है वो नहीं। आप इस तरह उठा के चिकन को इसके अंदर डाल दें और तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है, जब तक कि इसका कलर वो चेंज हो जाए चिकन का, और हल्की सी ये कोटिंग आ जाएगी इसके ऊपर। ये जो सॉस है ये नहीं डालनी। अब तेज़ आंच पे इसको इस तरह हिलाते हुए करना है ताकि हल्की सी इसके ऊपर कोटिंग हो जाए और कलर चिकन का चेंज हो जाए। जैसे ही कलर चिकन का चेंज होगा मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको पकने के लिए रखूँगी, फिर इसको गला लूँगी थोड़ा सा। वैसे भी ये मैरिनेट किया हुआ है, ये बहुत जल्दी गल जाता है, छोटे क्यूब्स में है।
ये फ्राई करके भी बना सकते हैं। पहले भी मैंने रेसिपी दी हुई है चिली चिकन की, उसमें मैंने फ्राई करके डाला है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने वो वाला मेथड करना है तो आप उस तरीके से करें, मैं इस तरह से बनाती हूँ, आप इस तरह से भी ट्राई करें। ये बहुत ही आसानी से जल्दी से बन जाता है। अगर आपने फ्राई करना है तो फिर इसके अंदर आप एक अंडा डालेंगे। अब इसके अंदर पानी डाल के एक कप, और जो चिकन क्यूब्स है उसको हाथ से मसल के इसके अंदर डाल दूंगी और मिक्स कर दूंगी। ये इसके अंदर इसकी वो स्टॉक सा यखनी बन जाएगी। इसके अंदर भी वो नमक होता है, इसलिए मैंने वो नमक पहले कम डाला है। अब इसको मिक्स करके, अब इसका ढक्कन बंद करके इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि ये चिकन गल जाए। ये 10 मिनट के लिए मैंने इसका ढक्कन बंद करके पकाया, चिकन गल चुका है। ये जो इसके अंदर थोड़ी सॉस है, इसी के अंदर ही वो जो मैं सॉस वगैरह तैयार करके रखी है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और ये वाला आप काम आपने पहले करके रख लेना है, अच्छी तरह इसको मिक्स करके, इसको मिक्स करना है अच्छी तरह, और इसका ढक्कन बंद करके थोड़ी देर पकाऊंगी, एक दो बाल दिलाऊंगी ताकि वो अच्छा सा वो फ्लेवर इसका वो सॉस और चिकन एक ही वो उसके अंदर फ्लेवर आ जाए। अब इसका ढक्कन बंद कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। इसके अंदर मैंने और कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी नहीं डाला, वो जो पहले मैरिनेट ही किया था, मैं थोड़ा बना रही हूँ इसके लिए, ये सॉस इसी तरह बन जाएगी। और अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप इसके अंदर फिर वो यखनी भी ज़्यादा कर लें, पानी डाल के थोड़ा कॉर्नफ्लोर और कलर भी डाल सकते हैं। ये इसका वो ही कलर है जो मैंने सॉसें वगैरह डाली हैं। यह पक चुका है, अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, ढक्कन बंद करके इसको वो उतार दूंगी। वो वेजिटेबल वगैरह बाद में ऐड करूंगी, सर्व कर जब करूंगी। ये अगर आपने दावत में रखना है तो पहले काम करके रख लें इस तरह। अब मैंने कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा प्याज छोटे साइज़ का चॉप करके डाल दिया है, और साथ ही गाजर क्यूब्स में कट्टी भी मैंने डाल दी है, और थोड़ा सा इसको सोते करूंगी, और फिर इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल दूंगी। ये एग फ्राइड राइस बना रही हूँ। वो चावलों को मैंने पहले बॉयल करके रख लिया है, उसको जैसे ही आप बॉयल करें पहले उनको भिगो के रखें, फिर बॉयल करते वक्त थोड़ा सा नमक और सिरका डाल के उसको बॉयल कर लें। और चाइनीज़ में जब भी आप चावल डालें, जो फ्राइड राइस या चाइनीज़ कोई भी आप राइस बनाते हैं, तो वो ठंडे होने चाहिए। पहले आप बॉयल करके रख लें, उनको ठंडा कर लें, तो फिर इस तरह बनाएं। अगर आपने दावत वगैरह में रखने हो तो आप एक दिन बेशक पहले बॉयल करके रख लें फ्रिज में वो कवर करके। अब इसके अंदर शिमला मिर्च भी मैंने डाल दी थी, अब आधी टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, और 1/4 टीस्पून 1/4 टीस्पून नमक, और 2 टीस्पून मैंने सोया सॉस इसके अंदर भी डाला है, और साथ ही वो अंडे को जो मैंने करके रखा है वो भी काट के डाल दिया। ये तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी से ये इस तरह करना है। अब जो उबले हुए चावल हैं वो इसके अंदर डाल रही हूँ, ये मैं 2 कप से बना रही हूँ, इसलिए ये मैंने सारी क्वांटिटी इतनी डाली है। आप फिर जिस हिसाब से बनाएं उस तरह ज़्यादा कर लें। और दावत में रखने हैं तो चावलों को भी पहले बॉयल करके रख लें, और चीज़ों की कटिंग करके, बाकी ये जो है मिक्स करने का, ये जल्दी जल्दी से इस तरह हो जाएगा। थोड़े थोड़े करके मैं इस तरह डाल रही हूँ, और इनको फ्राई कर लेना है। मैंने इसके अंदर चिकन वगैरह ऐड नहीं किया, अगर आपने इसके अंदर डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। ये एग फ्राइड राइस है, हाल ही मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल डाली है, और सिर्फ अंडा डाला है। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें घर से ही निकल आएंगी, और आप चाइनीज़ इस तरह बना के एंजॉय कर सकते हैं। ये अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, ढक्कन भी इसका बंद कर दूँगी। आप इसको इसी तरीके से बना के ट्राई करें। अब जो ये सॉस है, अब इसको मैं वो चूल्हा ऑन करके इसको एक उबाल दिलाऊंगी, फिर इसके अंदर वेजिटेबल डाल दूंगी। ये जो सॉस है ग्रेवी, ये आपने अपनी मर्ज़ी से रखनी है। अगर कम करनी है तो आप चूल्हा तेज़ करके आंच तो इसको खुश कर लें। मैं इसके अंदर वेजिटेबल भी ऐड कर रही हूँ, मैं इसके अंदर इतनी रखूँगी, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर दावत वगैरह में रखना है, ज़्यादा बनाना है, तो आप फिर इसके अंदर वो इसका वो लिक्विड करके इसके अंदर कॉर्नफ्लोर से थिक करें, और थोड़ा कलर डाल लें। ये थोड़े साइज़ में बना रही हूँ क्वान्टिटी में,
तो इसलिए ये मैं इतनी सॉस इसके अंदर काफ़ी है। आप इसी तरीके से इसको बनाएं, ट्राई करें, ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। वो चिली चिकन की मैं रेसिपी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने फ्राई करके बनाना है तो आप उस तरीके से बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज़।